नमस्ते गाइस और आज की फाइट वीडियो में काफी बड़ी अपडेट्स हैं तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमजाद जुमाएफ से

ये चीज वो खुद डिसाइड करेगा यानी कि हामसा चिमायब ने कहा कि वो 170 सेवेंटी डिवीजन डिविजन में फाइट करे या फिर 185 एटी फाइव डिविजन में ये चॉइस उसकी रहने वाली है

अब इसके बाद हामसा ने एक और ट्वीट किया जिधर उसने कहा कि वो केयर नहीं करता कि वो किसके साथ फाइट करे वो रेडी है फाइट करने के लिए। और, इस ट्वीट में उसने उस्मान, कोबी और को टैग किया तो वी रियली डोंट नो कि यूएफसी और हामसा चिमाइब के बीच क्या चल रहा है डायना ने कहा कि हामसा चिमाइब पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं फाइट कर रहा

आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन एल्जमेंट स्टर्लिंग के बारे में तो रिसेंटली एल्जमेंट स्टर्लिंग ने अपनी फाइट को देखा है और उसे लगता है कि वो फोर राउंड जीता है और हेनरी सऊडो सिर्फ एक राउंड जीता है

अब एल्जमे स्टर्लिंग की बात लगी थी तो आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं हेनरी हेनरी की तो सहूडो ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो एल्जेम स्टर्लिंग की परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं लेना चाहता बट उसे जज से एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसने स्टर्लिंग को फिफ्थ राउंड दिया था अब इसके बाद मैं ये चीज प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुका हूं कि हेनरी सहूडो ने मिराब दलिशवेली को कॉल आउट किया है फाइट के लिए तो इसी कॉल आउट का रिप्लाई देते हुए मिराब दलिशली ने हेनरी सहूडो को रिप्लाई किया कि वो रेडी है हेनरी सहूडो से फाइट करने के लिए वो एक और एल्जमे स्टॉलिंग के लेफ्ट ओवर ऑपरेट से फाइट करने के लिए रेडी है अब इसके बाद हेनरी सहूडो और कॉनर मैग्रेगर की बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट के बारे में बात की जाए तो यह चीज सबको पता है कि हेनरी के हारने के बाद कॉनर मैग्रेगर ने वीडियो डाली थी और एक ट्वीट भी किया था जिधर कॉनर ने बेसिकली हेनरी सोडो को रोस्ट किया है तो इन सब का रिप्लाई देते हुए हेनरी सहुडो ने कहा कि कॉनर की ग्रैपलिंग इतनी ज्यादा बैड है कि वो एक क्लीन यूरिन सैंपल को भी सबमिट नहीं कर सकता ऑल्सो इसके बाद हेनरी सहूडो ने यह भी कहा था की आजकल दी ओनली कार्डियो जो कॉनर कर रहा है वो है के ड्रग टेस्ट से भागने का अब इसके बाद कौना ने भी ट्वीट किया था बट वो ट्वीट मुझे मिला नहीं और अगर मुझे उसकी फोटो मिलती है तो वो मैं अभी स्क्रीन में पोस्ट कर दूंगा बेसिकली इस ट्वीट में वो लिखा था कि हेनरी सोहडो को इस फाइट को भूल जाना चाहिए और उसको अपना कम करना चाहिए अब इसके बाद एलजेमे स्टर्लिंग और हेनरी सोडो की फाइट में अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी स्टर्लिंग अपने टेक को फेल कर रहा था तो वो कुछ ज्यादा ही देर तक ग्राउंड में रह रहा था अब इसका रीजन हेनरी सोडो के अकॉर्डिंग ये है कि एल्जेमेलिंग उससे जान मुझ कर टीज कर रहा था हेनरी सोहडो उसको इन लीगल नहीं मारे ताकि जस्ट लाइक पीटेन हेनरी सोडो भी डिस्कालीफाइड हो जाए और एल स्टर्लिंग इस फाइट को जीत जाए तो बेसिकली यही सेम चीज हेनरी सोहडो ने इस ट्वीट में कही है बट इसके साथ हेनरी सोडो ने यह भी कहा कि नेक्स्ट टाइम वो एलजेमे स्टर्निंग

With, uh, you know, people say palm down, right? Now that's when someone's being defensive. You know, when like somebody, of course, you know, when, when your hand comes up, this happens. Weight supporting, I still count that as grounded. Now, if somebody is back here hand fighting and they play games like that, we know the difference. And I will get vocal about it, and I'm not here to be used to have somebody pull me into that. You know? But that's what exactly so, yeah, I know the difference between someone who's grounded and someone who's

आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं कोबी क्विंटन ने क्या कहा बिलाल मोहम्मद और लाइटवेट वेट चैंपियन इस्लाम महाचैव के बारे में

इसके बाद कोबी ने बिलाल मोहम्मद और गिल्बर्ट बंस को लूजर कहते हुए कहा कि वो दोनों लूजर्स फाइट कर रहे थे कि उन दोनों में से सबसे बड़ा लूजर कौन होता है कोबी ने कहा कि बिलाल मोहम्मद और गिलबर्ट बंस किसी भी चीज के लिए फाइट नहीं कर रहे थे क्योंकि डायनामाइट ने यह पहले ही कंफर्म कर दिया था लियोन एडवर्ड से कोबी फाइट करेगा इन दोनों की फाइट से एक परसेंट जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया वो बोला जो दोनों फाइटर्स के लिए बिना रीजन के काफी रिस्की था यूएफसी उन दोनों फाइटर्स की केयर भी नहीं करती कि वो दोनों फाइट भी कर रहे थे कि नहीं कोबी कविंटर ने कहा कि वो दोनों फाइटर्स नो बडीज हैं क्योंकि वो दोनों ही पेपर व्यूज को सेल नहीं कर सकते अब इसके बाद लाइट वेट चैंपियन इस्लाम के बारे में कोबी ने कहा कि अगर इस्लाम डिवीजन में आता है तो वो इस्लाम महाजेव को नॉकआउट करने वाला है कोबी कविंटन ने कहा कि अगर उन दोनों की फाइट होती है तो जैसे एड्रियानो ने इस्लाम महाजेव को नॉकआउट किया था सेम वैसे वो भी इस्लाम महाचैफ को नॉकआउट कर देगा इस्लाम महाचेव वर्सेस एड्रियानो की फाइट में उसने एड्रियानो को ट्रेन किया था वो पूरा टाइम एड्रियानो को बोल रहा था राइट चेक पंच थ्रो करने का और एड्रियानो ने वैसा ही किया और इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर दिया कोबी ने कहा कि इस्लाम महाचेव साउथ पा स्टाइल वाले फाइटर्स के साथ सही से फाइट नहीं कर पाता है और वो खुद भी साउथ पा है एलेक्सेंडर वोल को शार्ट और मेजर बुलाते हुए कोबी कविंगटन ने कहा कि इस्लाम महाचेव कितनी ज्यादा ट्रबल में आ गया था एक शॉर्ट और मेजर ऑस्ट्रेलियन के सामने उसे वन फोर्टी डिवीजन फाइटर

सबसे ज्यादा बेटर रेसलर है इसीलिए वो उसको आउट रेसल नहीं कर सकते इस्लाम महाचेव उसे आउट रेसल नहीं कर सकता उसके साथ स्ट्राइक नहीं कर सकता और डेफिनेटली उसके साथ जुजित्सु नहीं कर सकता इसीलिए इस्लाम महाचेव उसके लिए एक इजी मैचअप है और लास्ट में कोबी ने कहा कि वो बिलीव करता है कि वो इस्लाम महाचेव को 3 राउंड्स के अंदर ही नॉकआउट कर देगा

आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल फेस ऑफ के बारे में तो रिसेंटली इन दोनों फाइटर्स के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों फाइटर्स का फेस ऑफ हुआ बट ये फेस ऑफ काफी ज्यादा वियर था ये रही वीडियो slow oh, as yes. <laughs> go